बांदा कलिंजर ग्राम गुड़ा कला के अंतर्गत यादव एकता मंच के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी मुद्दों पर भरपूर चर्चा की गई। यादव एकता मंच के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से आए अरुण यादव कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके की। इस दौरान उन्होंने कृष्ण जी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समाज के लोगों को सजग और शिक्षित होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक समाज का पिछड़ापन दूर नहीं होगा। इस दौरान युवा नेता अवधेश यादव ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी रुचि लेनी चाहिए। इस दौरान अभी हाल ही में झांसी में हुई पुष्पेंद्र यादव के एनकाउंटर के संबंध में यादव सभा में चर्चा के साथ साथ आगे की रणनीति के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केसरी प्रसाद यादव ने कहा कि हमें सामूहिक विवाह का आयोजन कर समाज के लोगों के बैठने से बचाने हेतु हमें रोटी बेटी का संबंध भी करना होगा। इस दौरान यादव एकता मन से जुड़ने वाले लोगों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोग दिनेश यादव, अमित यादव, कुलदीप यादव, जगमोहन यादव, गंगादीन यादव, अवधेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। एक विशेष जाति को टारगेट ना बनाया जाए। अगर मान लीजिएगा प्रदेश में इस तरह की घटनाएं, मान लीजिएगा अगर पुष्पेंद्र अपराधी था तो उस पर आप कोई दंड कर सकते थे। उस पर ये नहीं है कि सीधे सीधे गोली चला दे। उसका इतना बड़ा अपराध की सजा मिलेगी उसको क्या कि उसको सीधे टारगेट बना दिया? उस पर आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। कोई भी मुकदमे मतलब 151 कोई धारा दर्ज नहीं है उसकी। और इसमें आप इतना बड़ा सजा दें, कोई मुठभेड़ मुझे नहीं लगता कि शायद कोई व्यक्ति जो मुठभेड़ कराएगा पुलिस से, ये तो गलत है। सभा में कोई नई नियुक्तियां की गई हैं क्या इस ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, हमारे सभा में मंडल महासचिव का पद दिया गया है और इसमें जिला अध्यक्ष को, जिला मीडिया प्रभारी हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं, ये नए पद सृजित किए गए हैं और यहाँ मनोनीत पत्र भी दिए गए हैं।